वैसे तो एक क्रिकेट टीम में जी हाँ 11 प्लेयर्स होते हैं, जहाँ जो एक टीम ग्राउंड पे उतरती है तो 11 प्लेयर्स के साथ उतरती है। टीम परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं होता है जब आप मैच जीतते हैं, लेकिन ये बात भी आपको माननी होगी कि हर टीम में 4-5 ऐसे की प्लेयर्स जरूर होते हैं जो जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी टीम घूमती है। अगर इनमें से प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो इम्पैक्ट है, वो जो छाप है, वो टीम में भी पड़ती है और टीम भी पूरे जोश के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आती है। आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएट टीम्स के की प्लेयर्स के बारे में। जी हाँ, ऐसे प्लेयर्स जिनके इर्द गिर्द ये टीम घूमती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अपनी टीम्स की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये हमारे ओपिनियन है, हमें हमें लगता है कि ये प्लेयर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएट टीम्स की तरफ से। चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे यूएई टीम के प्लेयर्स के बारे में। जी हाँ, यूएई की शुरुआत कर लेते हैं। टॉप 5 प्लेयर्स उनकी टीम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से? बिल्कुल, देखिए यूएई में अगर बात करें तो अहमद रजा जो टाइटन है उनके, बिल्कुल, और इसके साथ रोहन मुस्तफा, चिराग सूरी और मोहम्मद उस्मान और जहूर खान, ये वो 5 प्लेयर हैं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप चाहे इनके परफॉर्मेंस चेक करें मैचेस में, इंपैक्ट जो दिखेगा आपको जैसे पहली टीमों के प्लेयरों में दिखता है, वैसे यूएई के जो प्लेयर्स है उनके इम्पैक्ट काफी दिखता है इन 5ों का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं अपनी टीम यूएई की तरफ से, और इनका इम्पैक्ट किस तरह से दिखता है वो नजर आता है उनके स्टैट्स में, वो नजर आएगा आपको। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में। जी हाँ, दूसरी टीम यानी यूएसए। जी हाँ, यूएसए के बारे में भी जानते हैं कि आखिर यूएसए की तरफ से वो 5 प्लेयर्स कौन से हैं। यहाँ यूएसए काफी नई टीम है और देखना होगा कि किस तरह से इनके प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रोल अब तक अदा कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें जो 5 प्लेयर्स की प्लेयर्स निकल के आए हैं सामने वो कुछ इस प्रकार। बिल्कुल, देखिए कैप्टन सौरभ नेत्रवलकर, जी हाँ, और अच्छे बॉलर हैं वो, और इसी के साथ साथ यान हॉलैंड और स्टीवन टेलर, एरॉन जॉन्स और मोनांक पटेल, विकेट कीपर बैट्समैन है मोनांक पटेल, और आप देखेंगे जितने ही मैचेस खेले हैं मोनांक पटेल ने तो कहीं ना कहीं उनके रन काफी अच्छे हैं मैचेस के मुकाबले, रन काफी बेटर हैं। और सौरभ नेत्रवलकर, एरॉन जॉन्स, स्टीवन टेलर, यान हॉलैंड, इन 5ों का परफॉर्मेंस घूम फिर के ऊपर बैटिंग करते हैं। रश्दी थरान इस लिस्ट में नहीं है, जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 5ों के मुकाबले रश्दी थरान को हमने बाहर रखा है। इन 5ों पे टीम ज्यादा निर्भर रहती है, घूमती जो है वो कहीं ना कहीं ये 5 जी, और ये हमारे ओपिनियन के हिसाब से ये 5 प्लेयर्स इसमें इंक्लूडेड है। चलिए अब बात करते हैं एक और टीम के बारे में। जी हाँ, बात होगी इस बार पीएनजी टीम के बारे में। जान लेते हैं उनके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स या फिर आप कहें की प्लेयर्स, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स कौन कौन से। बिल्कुल, पीएनजी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल असद वाला, टॉनी उरा और नॉर्मन बनुआ, नौसेना पोकाना और चार्ल्स एमिनी, ये वो 5 प्लेयर हैं अकॉर्डिंग टू अस। असद वाला, टॉनी उरा, नॉर्मन बनुआ, पोकाना और चार्ल्स एमिनी, तो ये 5ों का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, हमने भी डाले हुए हैं कई बार, अगर इनको चेक करेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको यकीन होगा वाकई में इस 5ों के बिना पीएनजी का जो गेम है वो अभी फिलहाल पीएनजी इन 5ों के बिना नहीं सोच सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब भी मैचेस जीतती है पीएनजी तो इन 5ों में से किसी ना किसी प्लेयर का योगदान काफी ज्यादा रहता है उस मैच में। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथी टीम के बारे में। जी हाँ, चौथी टीम की अगर हम बात करें तो वो है स्कॉटलैंड। जी हाँ, अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें, काफी अच्छी टीम, इनके अगर प्लेयर्स की हम बात करें तो जी हाँ, क्वाइटजर, रिची बैरिंगटन और कैलम मैकलियॉड, एलिस्डर इवांस और साफियान सही। जी हाँ, जैसे कि ये 5 बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर है स्कॉटलैंड के लिए, और कहीं ना कहीं हर जीत में इन लोगों का योगदान काफी ज्यादा रहता है और इनका इम्पैक्ट भी पूरी टीम में कहीं ना कहीं पड़ता है। जी हाँ, इनके पास काफी प्लेयर्स हैं, इनके पास मैथ्यू क्रॉस और मंसे भी हैं, लेकिन यहाँ पे की प्लेयर्स को हमें पिक करना होगा तो ऐसा नहीं कि हम हर किसी को ले सकते हैं, कुछ ना कुछ मिस आउट होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये 5 प्लेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट है स्कॉटलैंड की तरफ से। क्वाइटजर, रिची बैरिंगटन, कैलम मैकलियॉड, एलिस्डर इवांस और साफियान सही। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वीं टीम की तरफ। जी हाँ, 5वीं टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाती है नेपाल क्रिकेट टीम। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, इनके पास भी अच्छे अच्छे की प्लेयर्स हैं, लेकिन जानते हैं कि 5 इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आएगा पारस खड़का, नो डाउट। जी हाँ, की प्लेयर क्या, पूरी पिलर, आप स्टंप कहें, पिलर कहें, जो भी आप कहें, वो पूरी तरह से ये इन्हीं के गिफ्ट टीम घूमती है। उसके बाद संदीप लामिचाने, जी हाँ, संदीप लामिचाने हैं, ज्ञानेंद्र मल्ला, करण केसी और सोमपाल का। जी हाँ, ये हमारे हिसाब से ये 5 मोस्ट की इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए हैं। ये 5 टीमों की बात हो गई,
और आपके हिसाब से अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमें लगता है जितने भी हमने रिसर्च किए हैं, स्टैट्स जितने भी निकाले, जितने परफॉर्मेंस इनकी देखी है, ये पांच प्लेयर्स इंपॉर्टेंट की रोल्स अदा करते हैं नेपाल टीम के लिए। छठी टीम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या कुछ की प्लेयर्स हैं। नीदरलैंड्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीटर सिनार, बेन कूपर, स्टीफन माइबर, पॉल वैन मैकरेन एंड मैक्स सोटा। जी हाँ, आप देखेंगे, आप T20 में मैक्स राउट को देखें, वनडे में देखें, नए आए हैं, इसमें भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन T20 में देखेंगे तो 1000 रन पार है उनके, 40 मैच खेल चुके हैं, तो और बैट वो इतना रखते हैं टीम में, अगर वो नहीं चलते हैं टीम अचानक से ढह जाती है, बाद में काम करती है अच्छा, लेकिन ढह जरूर जाती है। बेन कूपर, पीटर सिरार बॉलिंग से बहुत अच्छा करते हैं, स्टीफन माइबर बीच में आके रन बहुत कोशिश करते हैं, रन मारने के मारते भी हैं, ऐसा नहीं, पॉल वैन मैकरेन बॉलिंग से, इन पांचों का परफॉर्मेंस बहुत इम्पैक्ट रखता है नीदरलैंड्स की टीम। जी हाँ, कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर्स नीदरलैंड्स की तरफ से हो जाते हैं। अगली टीम बात करते हैं नामीबिया के बारे में। जी हाँ, नामीबिया से मोस्ट फाइव इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, की प्लेयर्स अगर हम कहना चाहें तो वो कौन से होंगे, आइए जानते हैं। बिल्कुल, नामीबिया की अगर बात करें तो यहाँ उनके कप्तान, जी हाँ, गेराल्ड इरास्मस, जॉन जॉन स्मिथ, जी हाँ, जेजे स्मिथ की मैं बात कर रहा हूँ, और जेन फ्राइलिंग, स्टीफन बार्ड और जिम पेरी कॉट्से, जेपी कॉट्से, आप इन पांचों का हाई परफॉर्मेंस रहा है। मैंने लास्ट कुछ मैचेस भी चेक किए हैं T20 ODIs में, मैं शॉक हो गया हूँ कि इन पांचों का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी हाई रहा है, कभी खिलाड़ी आसपास चलते हैं तो कभी कॉट्से, कभी फ्राइलिंग, वाकई में नामीबिया की टीम बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम, ये कुछ मैचों से मैं देख रहा हूँ, इन प्लेयर्स को नोटिस किया है, तो वाकई में ये प्लेयर हमारी तरफ से निकल गया। जी हाँ, तो ये प्लेयर निकल गया, स्टीफन बर्ड भी कहीं ना कहीं बेहतरीन परफॉर्मर है, हमने उसको उनका एनालिसिस भी कंपैरिजन में हमारे चैनल पे क्या हुआ था, और वो बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर नामीबिया के लिए लगातार साबित हो रहे हैं। एक और टीम बची है, जी हाँ, उनके बारे में भी जान लेते हैं, और वो टीम है ओमान। जी हाँ, ओमान टीम की अगर हम बात करें, जी हाँ, की ओमान टीम की अगर बात करें तो सच में ओडीआई में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका रहा है कहीं ना कहीं, और यहाँ से बात ओडीआई की नहीं हो रही, ओडीआई दोनों पे ही अगर हम कहना चाह रहे हैं, पांच इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जी हाँ, हाईली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ओमान के लिए जो निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले आकिब इलियास, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बेहतरीन प्लेयर है अपनी टीम के, और ये बॉलिंग भी कराते हैं साथ साथ में, पार्ट टाइम बॉलर भी हैं, जतिंदर सिंह, जिसान मकसूद, बिलाल खान और खवर अली। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, इनकी परफॉर्मेंस आप जाके चेक करें, आप इनके स्टैट्स देखिए, आप इनकी बॉलर है तो इकॉनमी देखिए, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखिए, सब कुछ आपको जबरदस्त मिलेगा, और एक बेहतरीन क्वालिटी प्लेयर्स ही ओमान के लिए निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम्स हैं आठ अच्छे टीम्स जो ओडिया स्टेटस वाली, जिनके पास दोनों स्टेटस है, उन्हीं की हमने एनालिसिस की है, तो कहीं ना कहीं ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी टीमों से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, और इन पांचों का बहुत हाई इंपैक्ट है अपनी टीम में, जब भी ये परफॉर्म करते हैं तो इनके साथ साथ पूरी टीम कॉन्फिडेंट उन्हें मिलता है, और वो भी इनकी परफॉर्म करते हुए नजर आती है। आप जब भी देख रहे होंगे कोई पार्टनरशिप जम रही होगी तो एक तरफ अगर कोई प्लेयर है दूसरी तरफ इनमें से ही कोई प्लेयर होगा, अगर कोई हाईएस्ट विकेट टेकर है तो वो इनमें से ही होगा, अगर किसी की फील्डिंग अच्छी हुई है तो वो इनमें से ही होगा, तो घूम फिर के इन यही वो प्लेयर्स हैं, 40 ये प्लेयर्स हैं टीम्स में, कहीं ना कहीं जो मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर अपने अपनी टीम्स के लिए है। आपके हिसाब से आपने टीम्स के एशियन टीम्स के पांच इम्पैक्टफुल प्लेयर्स कौन कौन से हैं, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप बता सकते हैं कि इन सारे 40 प्लेयर्स में आपके टॉप पांच फेवरेट प्लेयर्स कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज जरूर कमेंट करें, और अगर आप हमारे से सहमत है कि नहीं यही इम्पैक्टफुल प्लेयर्स है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल के साथ लगातार अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जहां तक बात है क्रिकेट की, तो आज काफी सारा क्रिकेट ऑलरेडी हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो जाके मैचेस देखिए, एंजॉय करिए, और संडे भी है, एंजॉय करिए क्रिकेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, गाइस बाय।